नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर आजमगढ़ से है। सराइमीर आजमगढ़ आज दिनांक 22 नवंबर 2020 को लोकतांत्रिक अधिकार एवं जन एकता समिति द्वारा ठाकुरी पृथ्वी नेशनल कॉलेज निजामुद्दीन सराइमीर के प्रासंग में जन महापंचायत हुई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों एवं भाग लेने वाले सम्मानित लोग द्वारा धरातल पर उत्पन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया। एक, मोटरसाइकिल व गाड़ियों के चालान के नाम पर पुलिस द्वारा आम जनता का उत्पीड़न बंद किया जाए। दूसरा, मनरेगा मजदूरों को 3 वर्ष की बकाया 100 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से 300 दिन की मजदूरी उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। तीसरा, शादी अनुसार महा सामूहिक विवाह में ना देकर सीधे लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों से लेकर अभ्यर्थियों के खाते में अनुदान किया जाए। चौथा, छुट्टा पशुओं को आश्रम केंद्रों तथा जंगली जानवरों जैसे नीलगाय, बंसुवारा आदि को जंगल में संरक्षित किया जाए। पांचवा, वृद्ध एवं विधवा तथा असहाय लोगों की सूची जनप्रतिनिधियों से लेकर इनकी पेंशन अविलंब जारी किया जाए। छह, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों कर्मचारियों की उपस्थिति तथा व अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। सात, किसानों तथा मजदूरों के घरेलू बकाए बिजली बिल माफ किया जाए तथा 250 मिनट की बिजली फ्री किया जाए। आठ, कृषि संशोधन विधेयक 2020 वापस लिया जाए, गरीबों के लिए आवाज उठाई जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ से रवि प्रजापति की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक अधिकार जन एकता समिति रजिस्टर समिति है, इससे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, सारे और हमारे जो यहाँ की जनता है इसका काफी उत्पीड़न हो रहा है। इस समय सरकार द्वारा कुल 48 योजनाएं संचालित की जा रही है। सारी योजनाएं धरातल पर आने के बाद सब किसान योजनाओं में लोग पार भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जैसे मनरेगा, हमारा मनरेगा जो कानून है उसके अंतर्गत 100 दिन रोजगार की गारंटी है, लेकिन हमारे यहां 100 दिन